मुस्कुराइए आप, लखनऊ में ऐसा लखनऊ में लिखा मिलता है आपको, लेकिन कभी कभी ये दीवार की बातें भी सच हो जाया करती हैं। तो ग्राम पंचायत एक ऐसी एजेंसी है जहाँ पे प्रधान अपने मानदेय को अपने डिजिटल सिग्नेचर से भुगतान करता है, ऐसा पहली बार होता है। ऐसे में आपसे बताना चाहूँगा कि पंचायत जो वेब सीरीज आई है वो एक बार आप देख लीजिए, पंचायत की काफ़ी समझ आपको हो जाएगी। तो आइए इस अपडेट की बात करते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच गया होगा, लेकिन इस नोटिफिकेशन की बात हम करेंगे कि ये कब तक पॉसिबल हो पाएगा, और पॉसिबल होगा तो क्या वैरियर्स, क्या समस्याएं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आने वाली। जैसा कि आपने अभी तक देख लिया होगा हमारा थंबनेल कि पंचायत सहायक अपने मानदेय अपने हाथ से भेजेंगे, बिल्कुल सही है और ऐसा होने वाला भी है। इसके साक्ष लेटर हैं, ये लेटर दिखाता हूं मैं आपको, लेटर आपके पास पहुँच भी गए होंगे, लेकिन ये लेटर कब तक काम करेगा इस पे आज की वीडियो में प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाय गाइस, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों एक नया नोटिफिकेशन आया है, पेपर की कटिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि पेपर कटिंग है। यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि पंचायत भवन में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं ये सारे एक्टिव होंगे और नेट की व्यवस्था हो जाएगी, और उसके साथ साथ में जितने पंचायत सहायक रखे गए हैं लगभग 40,000 से अधिक पंचायत भवन में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट कनेक्शन और सिस्टम की बातें कही गई हैं कि ये कंप्लीट हो चुके हैं। मैं कहने की बात कर रहा हूँ, कही गई हैं, हो सकता है इससे कुछ 19-20 हो सकती हैं। तो यहाँ पे जैसे कंप्लीट हो गए हैं तो सारे जगहों पे जो भी गांव ग्राम पंचायत के भुगतान के काम होंगे उस भुगतान के काम में पंचायत सहायक के द्वारा DSC लगाई जाएगी। अच्छा, ऐसा पॉसिबल क्यों कहा जा रहा है, इस पर ज़्यादा फोकस क्यों हो रहा है, इस पर विश्वास क्यों जम रहा है, इसका रीज़न क्या है कि C3 जिसने UPGP सहा पंचायत सहायक का पोर्टल बनाया है, उसी C3 ने क्या किया हुआ है, मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत अब यहाँ पे आपके सिस्टम के मशीन ID को मॉनिटर करेगा। अब मशीन ID क्या होती है, जिस तरह से आपके मोबाइल का EMI नंबर होता है वैसे भी हर कंप्यूटर के एक मशीन IDs होती है, और वो मशीन IDs आपके मैप होगा वहाँ पे। और जैसे ही FTO आपका वहाँ से ट्रांसफ़र होगा तो वो बताएगा कि किस मशीन ID के माध्यम से ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ तक कि कोई भी मेल, कोई भी मैसेज, कोई भी इस टॉपिक की जो चीज़ें हैं, कोई भी हैकिंग का सिस्टम अगर हुआ तो मशीन ID से काफ़ी कुछ चीज़ें पता की जा सकती हैं कि किस लोकेशन पे, किस जगह पे, कौन से सिस्टम से ये चीज़ें आई हैं। तो ऐसे में जब मशीन ID की बात आ रही है तो ऐसे में काफ़ी विश्वास हो रहा है कि ये चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक जहाँ से काम हो रहा है, मतलब जो भी ऑपरेटर्स काम करते हैं वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम से काम करते हैं सारे ब्लॉक का या फिर सारे जगहों की, लेकिन अब जब हर ग्राम पंचायत से अलग अलग मशीन ID से जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पे इसको मॉनिटरिंग करना इजी हुआ। तो ये लेटर दिखाते हैं, लेटर की बात करते हैं और बात करते हैं क्या समस्याएं आएंगी इस काम को करने में। तो जैसा कि मैंने अपने कई वीडियो में डोंगल, डिजिटल सिग्नेचर, इस सब चीज़ के बारे में प्रॉपरली आपको बता दिया हुआ है, तो आज यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि जब आपके बीच में ये डोंगल, डिजिटल सिग्नेचर, FTO ये सब चीज़ें आएंगी तो मेरी अगर और वीडियो आपने देखी होगी तो इसको आप बकायदा समझ सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, ग्राम पंचायत में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओं को अपलोड किया जाना, जिसे प्लान प्लस कहते हैं, कार्य के उपरांत बाउचर आदि की फीड किए जाने एवं भुगतान है डिजिटल सिग्नेचर डोंगल को लगाए जाने के सापेक्ष में। अब ये पूरा लेटर मैं आपको नहीं पढ़ूंगा, लेटर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी विशेष पॉइंट को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि सभी ग्राम पंचायत जहाँ पे पंचायत सहायक कार्यरत हैं वहीं कंप्यूटर व इंटरनेट की व्यवस्था करने की तिथि अथवा पंचायत सहायक की तैनाती की तिथि जो है 1/8/2022 के उपरांत उपरोक्त मॉडल सभी कार्य ग्राम सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम से पंचायत सहायक के माध्यम से ही किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 1/6/1 जून की बात कही है, मतलब अभी जो 1 जून आने वाला है, 1 जून से समस्त कार्य पंचायत सहायक के माध्यम से किया जाएगा, बात को नोट करते चलिएगा। अगली बात कही गई कि पंचायती राज संचालक पर तैनात कंसल्टेंट जो केंद्रीय वित्त आयोग श्री रत्न श्रीवास्तव, राज्य वित्त आयोग श्री अभिषेक मल व स्वच्छ भारत मिशन श्री अक्षय पटेल का कार्य देख रहे हैं, यह सुनिश्चित करेंगे कि दिनांक 1/6/22 के उपरांत इस आदेश का अनुपालन जिस ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है उसके संबंध में सूचना तत्काल निदेशक पंचायती राज को उपलब्ध कराएंगे। दूसरे पास आप सब समझ सकते हैं कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो इसके कंसल्टेंट रखे गए हैं स्टेट पे वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, मामला काफ़ी गंभीर है। दोस्तों लास्ट में बात थोड़ी सी करते हैं यहाँ पे कि C3 द्वारा एकत्रित किया गया है और यह प्राप्त कर लिया जाए और आगे ग्राम सचिवालय में लगने वाले कंप्यूटर सिस्टम में IP एड्रेस की सूचना राज्य स्तरीय डेटाबेस में रखा जाए और ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहे भुगतान के लिए प्रयोग किए जा रहे कंप्यूटर का IP एड्रेस लगातार जो है वो ट्रेस किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि C3 ने क्या किया हुआ है, ग्राम पंचायत के इस IP एड्रेस को
कवर किया हुआ अपने पास में और इसके डेटाज को वहाँ पे रखा भी जाएगा और उस डेटा के हिसाब से मॉनिटरिंग करके किस ग्राम पंचायतों में भुगतान किया जा रहा है और कहाँ अलग आईपी एड्रेस से भुगतान आ रहा है। एक बड़ा फैक्ट, एक बड़ा मैटर है ये अब तक का। और आपको बता दें कि लगभग लगभग पॉसिबल थोड़े सा कम है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग, बिना समझ, बिना अनुभव के इस काम को कर पाना बहुत ही क्रिटिकल है। दोस्तों, पेमेंट भेजना, पेमेंट की प्रोसेस को करना, जीपीडीपी अपलोड करना, फैसिलिटेटर रिपोर्ट अपलोड करना, ये सब चीज़ें एक अनुभवी व्यक्ति का है। और पंचायत सहायक में मानता हूँ मैं आप सब टोटल में से 10% लोग ऐसे होंगे, जितने भी 58,189 में से 10% से 15% लोग ही ऐसे होंगे जो कि इस सिस्टम को कर पाएंगे। बाकी लोग इस सिस्टम को करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। हालांकि लोग सिस्टम चला लेते, कंप्यूटर को चलाना और इस वेबसाइट को चलाना दोनों में काफ़ी फर्क होता है। जीपीडीपी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एक कार्ययोजना ही है, लेकिन इस कार्ययोजना को कई फॉर्मेट में लोड करना होता है। उस फॉर्मेट में अलग अलग सबकी कैटेगरीज होती है, बैलेंस को मैच कराना होता है। ये काफ़ी समस्याएँ आती हैं किसी प्लान को सबमिट करने में, और उस प्लान को टाइमली सबमिट करना होता है। वहाँ पे स्कैन करके कार्ययोजना की कॉपी अपलोड करनी होती है, उसके बाद एक एक आईडी को तैयार करना होता है भुगतान के लिए। इसका मतलब उसकी जो भी एमबी की कॉपी होती है, टेक्निकल अप्रूवल, उसके बाद उसको एडमिनिस्टर वित्तीय अप्रूवल दिया जाता है। फिर उसके बाद उस आईडी को ऑन गोइंग किया जाता है, अगर वो राज्य वित्त है तो भुगतान के लिए, अगर वो केंद्रीय वित्त है तो उस आईडी को फिर से वो मॉडिफिकेशन किया जाता है, फिर वो जाती है जियो टैग के लिए एमएक्सन सॉफ्ट पे, फिर उसको जियो टैग किया जाता है। अब ये प्रोसेस तो हो गया, आईडी जीपीडीपी अपलोड करना, आईडी को तैयार करना, अभी यहाँ पे आईडी तैयार हुई है। अब इसके बाद फाइल के सापेक्ष आपको भुगतान करना है, तो अगली मेकर की आईडी ओपन करिए, अब वहाँ से आप उस आईडी को खोलिए, उस आईडी में जिस भी मत से आपने बैलेंस डाला होगा उसमें आपको वहाँ पे बैलेंस हो करेगा, फिर जिस बिल्डर को भेजना है उस बिल्डर को वहाँ पे फीड करिए, उसको अप्रूव करिए। फीड करेंगे तो 4-6-10 घंटे में अप्रूव होगा। अप्रूव करने के बाद ये ध्यान में रहे, कभी कभी गलत खाते भी अप्रूव हो जाते हैं, उसका खाता सही नहीं, वो बार बार चेक करिए। उसके बाद फिर आप जितना भी फाइल के सापेक्ष आपके बिल वाउचर रहेंगे, एमबी को प्रॉपर देखिए, अंडरलाइन जो भी पैसे होंगे उसको आपका सचिव सपोर्ट करेगा, बताएगा, उसको देख करके फिर वाउचर में अलॉट करना, उसके बाद डे बुक क्लोज करना, उसके बाद फिर डीएससी लगाना, पहले प्रधान की पहले सचिव की डीएससी लगाना, फिर वो चला जाएगा प्रधान के प्रोफाइल पर, फिर वहाँ से सचिव की डीएससी लगाना। इतना काम करने के बाद तब वो चला जाएगा पीएफओएस पे, और पीएफओएस में जाने के बाद फिर विदिन 1 डेज या 2 डेज या 3 डेज, मैक्सिमम 4 डेज का टाइम होता है, और सेम डे भी कभी कभी क्लियर हो जाते हैं, तब पेमेंट जाके खाते में क्लियर होता है। इतना प्रोसेस करना होता है किसी भी भुगतान लगाने के लिए, एक लेंदी और एक बड़ा प्रोसेस है, एक सिंपल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, मैं ये हकीकत कर रहा हूँ। पंचायत सहायक को अगर 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाए, 1.5 महीने की ट्रेनिंग दी जाए, या फिर चलो 15 दिन की भी ट्रेनिंग दी जाए, तो शायद ये पॉसिबल है कि सारे काम कर सकता है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विभाग के लोग इस चीज़ को कैसे नहीं समझ पा रहे हैं। एक दिन में गांव के इतने रिस्पॉन्सिबल काम को एक बंदे को कैसे दिया जा सकता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। बिना अच्छी ट्रेनिंग के ये काम वो नहीं कर सकते हैं, ये मैं डेफिनेटली कहता हूँ। और अगर आप करेंगे तो आपसे काफ़ी गलतियाँ हो जाएंगी और उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे।